मैं चौधरी सुरिंदर सिंह MLA करतारपुर अज असी सारे जिहड़े चौधरी संतोख सिंह जी साढ़े सत्कारयोग मेरे चाचा जी है उन्हां दी जिहड़ी चोण मुहिम है उहदे विच असी सारे रुझे हुए हैं और एक करतारपुर का इलाका जो है एक साडा परिवारक इलाका है क्योंकि इस इलाके तो जिहड़ा साडा परिवार है साडे परिवार की जे आपां कर्म भूमि कहीए तो यह है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मास्टर गुरमंता सिंह जी आज़ादी तो पहला दे इस इलाके तो इलैक्शन लड़ते हैं और आज़ादी तो बाद भी उन्होंने बड़े इलैक्शन लड़े और MLA बने मिनिस्टर बने और पंजाब की तरक्की दे विच उन्हां दा बड़ा वड्डा योगदान रहा चाहे पंजाब की किसानी सी चाहे पंजाब के दलित सी गरीब सीगे साडे ऐसी वीर सीगे उन्हां वास्ते उन्होंने बड़ी कालना कर ली स्ट्रगल की और उन्होंने इतने तक कि जिहड़े जमीनां दे हक सीगे वह भी मेरे ग्रैंड फादर मास्टर गुरमंता सिंह जी के वेले मिले और जो पंजाब दे विच किसानी दे विच जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी पाकड़ नंगल डैम बनया और सारा जो इरीगेशन का सिस्टम बनया उन्हां दी देखरेख दे विच पंजाब दे विच बनया और उस तो बाद मेरे पिता चौधरी जगजीत सिंह जी जिहड़े कि उन्होंने पंचनद चलते हुए उन्होंने भी इस इलाके तो उन्होंने 8 इलैक्शन लड़े जिहदे विच कि लगातार 6 वारी वह इलैक्शन जीते है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी साहब बेअंत सिंह जी साहब हरचरण सिंह बराड़ जी की सरकार के भी वजीर रहे और इस इलाके की एक एक सड़क एक एक स्कूल और बाकी होर जिहड़ियां तरक्की दियां चीज़ां सीगियां कोई होस्पिटल सी कोई डिस्पेंसरी सीगियां कोई वैटनरी होस्पिटल सीगे उन्हां विच उन्होंने अपनी देखरेख दे विच इस इलाके की जिहड़ी तरक्की उन्होंने कराई है तो अज मैं समझदा कि इस इलाके ने मैनू भी बड़ा सन्मान दिता क्योंकि ये सारा एक परिवार है परिवार की भांति असीं इत्थे इस इलाके दे विच हां और मेरे चाचा जी चौधरी संतोख सिंह जी जिन्होंने पिछली बारी भी इस जलंधर की सीट तो पार्लीमेंट की सीट तो टिकट मिलिया सी तो इस इलाके जो बड़ी भारी लीड के नाल जीते सी और ऐतकी दोबारा उन्हों का टिकट जिहड़ा हैगा दोबारा उन्होंने दिता और ऐतकी भी साडी यही कोशिश है कि इस इलाके तो असीं वध तो वध लीड दे के उन्होंने जिताइए क्योंकि उन्होंने भी इस इलाके की तरक्की दे विच बड़ा योगदान पाया उन्होंने करतारपुर शहर के वास्ते उन्होंने 40-50 लाख की ग्रांट दी धार्मिक स्थानों ने भी दी कम्यूनिटी सेंटर्स और लाइब्रेरीज और इस तो अलावा साडे पिंडां दी तरक्की वास्ते कित सीवरेज वास्ते कित अपने गलियां नालियां वास्ते और कित वाटर सप्लाई वास्ते मतलब सो मेरा कहने का भाव है कि हर पिंड दे विच उन्हां दी थोड़ी बहुती ग्रांट जिहड़ी है जरूर लगी है बाकी पंजाब सरकार इस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार दे विच उन्हां दी सरकार दे विच इन्हां पिंडां दी बड़ी तरक्की दे विच बड़ा योगदान पै रहा नवीं पंचायतां बनियां और पंचायतां नूं असीं भी ग्रांटां दित्तियां और उस दे नाल नाल इत्थे करतारपुर दे विच चंगे जिहड़े स्मार्ट स्कूल्स 4 मैं लै के आया और साडे बजुर्गां दीआं जिहड़ियां पेंशनां जिहड़ियां रुकियां होईआं सी उह वधाईआं भी गईआं कैप्टन साहब दी सरकार दे विच और उन्हां नूं सारा जिहड़ी पेंडिंग सीगियां उह भी सारियां क्लीयर कीतीआं साडीआं गरीब बच्चियां दीआं शगन स्कीमां जिहड़ियां उह भी सारियां क्लीयर कीतीआं और होर भाई भागो स्कीम दे विच 26 लाख दे जिहड़े अपने साइकल सी उह भी आपां अपणीआं बच्चियां नूं वंडे इस तों इलावा एक ITI और एक डिग्री कॉलेज इलाके दे विच असीं उह भी बना रहे हैं जिहड़ा ITI है उहदी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और जिहड़ा डिग्री कॉलेज है उह पास हो गया और नीयर फ्यूचर दे विच होर आई थिंक 2-3 महीनियां तक उहदी भी कंस्ट्रक्शन शुरू करांगे तां जो सारे अपने जिहड़े बच्चे आ साडीआं इस इलाके दीआं लड़कियां साडीआं बच्चियां उहनां नूं अपने स्कूलां चों जदों हायर सैकेंडरी एंड हाई स्कूल तो पास कर दी उन्होंने बहुत दूर ना जाना पवे इलाके दे विच ही उन्होंने कॉलेज मिल जाए मेरे ग्रैंडफादर ने सब तो पहला करतारपुर दे विच जनता कॉलेज करतारपुर खोलिया सी क्योंकि इस इलाके दे विच कोई कॉलेज नहीं सीगा और सारिया लड़कियां जिहड़ियां अपने घरां दे विच 10वीं पास करन तो बाद घरां च ही बह जांदियां सी जां फिर उन्हां दी मैरिज हो जांदी सीगी सो मेरे ग्रैंडफादर क्योंकि एक प्रोफेशन तो मास्टर सीगे इस करके उन्होंने पता सी कि इह सारा जिहड़ा सिस्टम है जब तक साडे बच्चे पढ़नगे नहीं तो असीं तरक्की नहीं कर सकते और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो उन्हों का मिशन सी पढ़ो जुड़ो और स्ट्रगल करो उस मिशन नूं साडा परिवार जिहड़ा है उन्हूं अगे वधा रहा पढ़ाई के मामले और बाकी गुरु रविदास जी की जिहड़ी बाणी है उस दे नाल भी असीं सारे जुड़ते हैं जिहदे नाल कि असीं सानूं एक ताकत प्राप्त हुंदी है और असी अपने लोगों का अपने इस परिवार करतारपुर के इलाके के जिन्हें लोग है ये साडा एक परिवार है इस परिवार की जिहड़ी सेवा वो करन दे असी समर्थ हुंदे आ तो मैं अज सारे अपने वोटरां नूं सारे अपने साथियों भैणां भरावां नूं बच्चियां नूं सारे जिहड़े यंगस्टर्स हैगे आ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਗਲਤ GST ਲਾਇਆ ਔਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜਿਤਾਓ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।